अलवर शहर में बुधवार शाम केडलगंज से बाइक सवार होकर आए दो नकाबपोश बदमाश ने चावल व्यापारी से 3 लाख की लूट को अंजाम दे डाला। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिवलाल बैरवा, अलवर शहर कोतवाल राजेश शर्मा समेत पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया। पुलिस सीसीटीवी कैमरे खंगाल रही है, लेकिन अभी तक कोई सुराग नहीं लग पाया है। केडलगंज की बाजर गान ट्रेडर्स के मालिक सुधीर खंडेलवाल ने बताया कि रोज की तरह शाम 4 बजे बाजार से कलेक्शन लेने निकले थे। उन्होंने अपनी एक्टिवा गाड़ी को मोदी गोदाम के सामने खड़ा कर दिया था। शाम 6:30 के करीब जब वो कलेक्शन लेकर अपनी गाड़ी लेने जा रहे थे, तभी बाइक पर सवार होकर आए दो नकाबपोश सुधीर को धक्का मारकर रुपयों से भरा हुआ बैग छीनकर फरार हो गए। शोर मचाने पर वहां भीड़ इकट्ठी हो गई। बदमाशों का पीछा भी किया गया, लेकिन अंधेरे का फायदा उठाकर बदमाश फरार हो गए। कलेक्शन करके आता हूं मैं। अच्छा। जैसे मेरा कलेक्शन पूरा हुआ, मैं बाइक मेरी खड़ी रहती है, मेरी एक्टिवा खड़ी होती है मोदी गोदाम पे। मैं जैसे ही अंदर मोदी गोदाम में अंदर एंट्री करने लगा, तभी उससे पहले ही दो बाइक वाले आए, उन्होंने मेरा बैग छीना और मेरे भाई खाते भी छीने। वो इनको चांस की बात है, वो नीचे गिर गए और बहुत तेजी से भगा के ले गए। वो बिल्ली चौराहे तरफ निकल गए। कितना कैश था? कैश रफली 3 लाख था और बाकी उसमें चेक भी थे मेरे 4-5-6। किस चीज का काम करते हैं आप? मेरा राइस का काम है। कहाँ पे काम? मेरा अनाज मंडी में बाजरगंज ट्रेडर्स के नाम से रोज का कलेक्शन रहता है मेरा।